हेलो वयस गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग आपका स्वागत है हमारी क्लास में हम थोड़ा लेट हो गया आज ठीक है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बस एक मिनट देना मुझे थोड़ा मेरी नींद देर से मिनट। बात नहीं। शुरू करते हैं आज के अपना सेशन। सारी स्लाइड लग रही है हमारी। और हमारे पास आपके लिए कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है वो हम सारे बातें इंफॉर्मेशन की आई होप गाइस आप अच्छे होंगे अपना ख्याल रख रहे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और हमारे पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है देखिए सुबह आज हम स्टार्ट करेंगे अपने न्यूज से जहाँ पे हमारी गाइस पहली इन्फॉर्मेशन क्या है हमारी पहली इंफॉर्मेशन है अपॉइंटमेंट ऑन जाइन एक मिनट देना जरा सा एक मिनट एक्चुअली स्टूडियो में हमारे काम लगा हुआ था कल ठीक है चलिए सो तो गाइश करते हैं आज का अपना सेशन और हमारी पहली इन्फॉर्मेशन होगी अपॉइंटमेंट की तो कौन कौन अपॉइंट हो रहा है किस पोस्ट पर हो रहा है हम उसकी बात करेंगे आपसे ठीक देखिए सो तो पहली इन्फॉर्मेशन हमारी क्या है पहली इन्फॉर्मेशन भारत पे भारत पे अपॉइंटेड नलिन नेगी नलिन नेगी एज द चेयर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ठीक तो भारत पे ने नलिन नेगी को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किया है दोस्तों मतलब सीईओ भारत पे की बात हो रही है ठीक है

अपॉइंट किया गया था सीईओ मतलब नॉट परमानेंट फिर, पंद्र, फिर महीनों बाद इनको कर दिया गया है main, मतलब भारत पे दोस्तों चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अब ये क्या बन गया सीईओ बन गए भारत पे के दोस्तों नंदी नाम इनका याद रख लीजिएगा तो ये हमारी पहली इंफॉर्मेशन है ठीक दोस्तों आगे बढ़ते रिसेंटली अपॉइंटमेंट इन द बैंकिंग एंड द इंश्योरेंस सेक्टर जैसे गाइस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नाम लिखे गए हैं तो ये लोग कौन कौन सी पोस्ट पे अपॉइंट हुए हैं ये आपको बताना है जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट देखिए क्रिस्टली जॉर्जिया दोस्तों तो ये अपॉइंट हुई दूसरी बार पांच साल के लिए एम डी ऑफ द आई एम एफ याद है ना फॉर एग्जाम्पल दीपक कुमार शर्मा ये है भाई मनोज मित्तल संजय शुक्ला ये बेटा हो गया नेशनल हाउसिंग बैंक याद है ना मनोज मित्तल याद है कुछ तरुण बजाज, विनोद फ्रांसिस ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है तो ये किस किस पोस्ट पर पॉइंट याद रखो एक बार तो क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग अच्छा, ठीक है। और बताओ। बता तो रहा भाई देखो ध्यान देख लो भैया देख लो और याद कर लेना ठीक है विनोद फ्रांसिस चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ साउथ इंडियन बैंक तरुण बजाज हेड ऑफ द यूएस इंडिया टैक्स फोरम संजय शुक्ला एम डी ऑफ द एन एच बी मनोज मित्तल सी एम डी ऑफ द सिडबी दीपक कुमार शर्मा एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द सुरयोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ठीक है देख लो भाई तो लोग याद कर लेना ठीक है यहाँ पर बेटा क्वेश्चन पूछा गया हुज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द एयरटेल पेमेंट बैंक

दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा आवर आंसर इज ब्रिजेश कुमार सिंह ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की न्यूज़ नंबर टू दोस्तों विवेक अग्रवाल जी ठीक है सिक्स मंथ गेट द सिक्स मंथ एक्सटेंशन एज द डायरेक्टर ऑफ द एफ इंडिया इसका बेटा मतलब क्या होता है तो बेटा ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए सारे बच्चे सुन लें जो नए बच्चे हैं वो खास तौर से दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि आप अपने बैंक के अकाउंट से जो भी करते हैं ट्रांजैक्शन वो कोई नोट नहीं करता दोस्तों ध्यान देना हमेशा आपको मैं इंफॉर्मेशन बेटा आपके हर पंद्रह दिन पर मतलब जो भी आपने फिफ्टीन डेज में किए ट्रांजेक्शन उसकी बेटा एक रिपोर्ट बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट और जो लोग बेटा अपने अकाउंट से कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन करते हैं उसे बेटा हम क्या बोलते हैं एसटीआर सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट सो गाइज आपके अकाउंट पर दो रिपोर्ट बनती है हमेशा एक कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट और एक आपका सस्पिशियस रिपोर्ट बेटा और बेटा ये रिपोर्ट कहाँ जाती है एफ आई यू के पास दोस्तों फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट दोस्तों फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट गाइज दोस्तों ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है जिसकी नजर आपके अकाउंट पर होती है दोस्तों ध्यान देना यानी आपका जो बैंक अकाउंट है वो वॉच किया जा रहा है कौन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट दोस्तों यही करते हैं FIU, करते है भाई लोग पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर देखिए दोस्तों तो विवेक अग्रवाल दोस्तों डायरेक्टर पहले से भी थे इनको अभी छह मंथ का मिल गया एक्सटेंशन डायरेक्टर ऑफ द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया दोस्तों ठीक अग्रवाल हैज बीन होल्डिंग एडिशनल चार्ज डायरेक्टर ऑफ सिंस जनवरी अच्छा इसका मतलब, इसका बेटा बेटा मतलब 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 ये जैन में ये 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 में 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 पॉइंट हुए 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 थे ये जैन में ये हुए थे फिर से इनको मंथ मतलब का और मिल रहा एक्सटेंशन यानी तो फेब मार्च अप्रैल मतलब आई मतलब दोस्तों फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया की बेटा बात कर रहे हैं तो इसके डायरेक्टर थे बारे में जानकारी दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट है जो कि आप, आपके अकाउंट पे रखता है नजर दोस्तों <coughs> मैंने आपको यहां पर दो रिपोर्ट की बात की है आप चाहे लिख लीजिएगा सी टी आर कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट एस टी आर सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जाम हुआ था एक बार उसमें क्वेश्चन पूछा गया था सी टी आर का फुल फॉर्म तो एक बार लिख लीजिएगा इससे ठीक है दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपसे यहाँ पर अबाउट द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट दोस्तों गाइज तो बेटा क्या बना यह बना है दो हजार चार में दोस्तों अंडर विच एक्ट अंडर विच एक्ट तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट दो हजार दो

ऑप्शन नंबर इज़ राइट आंसर ठीक है ये बनी डायरेक्टर इन द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री दोस्तों ठीक है आगे बढ़िए और क्या पूछा गया अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर पावर सिस्टम ऑफ सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डायरेक्टर पावर सिस्टम ऑफ द सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये सब मैंने आपको पढ़ाया मार्च महीने में दोस्तों तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या शिव कुमार वी विपक कुम्मा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है जो नए बच्चे हमारी क्लास में हैं वो ऐसी इंफॉर्मेशन को बेटा लीजिए एज ए अपॉर्चुनिटी यार हमने मार्च में नहीं पढ़ा है शायद बट अगर हम सर को ठीक से फॉलो करेंगे तो इन क्वेश्चन से ही हमें काफी बार नॉलेज मिल जाएगी और जो हमारे पुराने चावल हैं जो ये पढ़ चुके हैं तो उनके लिए बेटा ये सोने पर सुहागा सीए के साथ साथ आपका रहा हो रहा है दोस्तों दोस्तों है ना चलिए गाइस आगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जो कि आपके इंटीरियर आपके मकान को करती डेकोरेट करती है दोस्तों तो डी डेकोर साइन सुपर रणवीर सिंह एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द संसार दोस्तों तो बेटा संसार इनका एक नया इनिशिएटिव है उसकी हम बात कर रहे हैं ठीक है थीका? तो डी जेकोर ने रणबीर सिंह को अपना ब्रांड अम्बेसडर अपॉइंट किया बेटा अपने नए ब्रांड संसार के लिए संसार के लिए ठीक है देख लीजिए तो डी जेकोर ने संसार अपने नए इनिशिएटिव के लिए रणवीर सिंह को अपना ब्रांड अंबेसडर अपॉइंट किया है तो एक पॉइंट दोस्तों हमारा ये हो जाएगा देख लीजिएगा ठीक है देखो भाई हम क्या बात कर रहे हैं दोस्तों तो हम बात कर रहे हैं रणवीर सिंह दोस्तों ये पॉइंट ब्रांड एम्बेडर फॉर द दे डी डेकोर फॉर इट्स न्यू ब्रांड संसार, संसार, ठीक तो हो तो गई थी आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं फिर से example, हमने बात किया था आपसे नई इंफॉर्मेशन संजना सांगी स्पेस इंडिया दोस्तों एडम्स। मैंने कल भी इनका आपको रिवाइज करवाया था यह शॉर्टपुट की खिलाड़ी थी इनको बेटा इनकस किया गया है सोलहवे एडिशन ऑफ द टाटा कंसल्टेंसी वर्ल्ड के बेंगलुरु रेस के लिए दोस्तों उसके पहले आप सब पढ़े हो नरेंद्र कुमार फिट इंडिया मूवमेंट कैटरीना कैफ चेन्नई सुपर किंग नीरज चोपड़ा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का स्पीड ब्रांड के लिए एक्ट्रेस नैन तारा स्लाइस के लिए क्या एक बच्चा कमेंट कर रहा था मैंने देखा क्या एक बच्चे ने पूछा कि सर आप बोलते हैं कि स्लाइस कंपनी ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसिडर बनाया है बट वो एड में नहीं आती है। आप मुझे पता नहीं कि वर्ड में नहीं आती क्यों नहीं आती हैं अगर आपको दिक्कत है बेटा तो आप सीधे कंपनी से बात कीजिए ना मैं क्या बता पाऊंगा मैं तो बस एक चेहरा हूँ सीए पढ़ाता हूँ ना अब उसके पीछे लॉजिक क्या मुझे नहीं पता बेटा ना चलिए आप चाहे तो कमेंट चेक कर लीजिएगा कल एक मानुभाव कमेंट था यहाँ पे ठीक है इस आगे बढ़ेंगे दोस्तों

Regulated entity इसका बेटा मतलब इसका बेटा मतलब वो सारी बॉडी जो रिजर्व बैंक के अंडर में आती है और पर की बेटा बात हो रही है ठीक है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन दिया सारे बैंकों को एनबीएफसी को टू प्रोवाइड द केएफएस केएफएस टू बोर फिर क्या है डब्ल्यूफ का मतलब होता है कब से फर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी फर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी फोर दोस्तों देखिए यहाँ पर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक circulation की बात कर रहे हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने circulation में क्या क्या बोला है है और ये w, ये ये दोस्तों तो ये सारी बातें हमें समझने पड़ेंगी दोस्तों हाँ तो क्या बेटा मसला ये देख लीजिए क्या यहाँ पर इंफॉर्मेशन की बात दोस्तों है ध्यान रखिएगा हम क्या बात कर रहे हैं देखिए द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक ने हमारे देश में जो बैंक है

हम सारी बात करेंगे पहले समझ लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों से एनबीएफसी बोला कि आपको अक्टूबर एक एक चौबीस से अपने जो हैं अब चाहे वो रिटेल बोरोवर्स हो मतलब हम लोग चाहे एमएसएमई तो उनको आपको की फैक्ट स्टेटमेंट देना पड़ेगा अब बेटा ये होता क्या दोस्तों चलिए जब मैं पहली बार कार लोन लेने गया दोस्तों हाँ जब मैं पहली बार गया तो मैंने उनसे बोला कि आप मुझे पूरा दो स्टेटमेंट दो कि भाई मेरा कौन सा ईएमआई कैसे बन रहा है ताकि मैं कैलकुलेट कर पाऊं कि भाई आप तो फ्रॉड नहीं कर रहे हो मेरे साथ तो पहले मना करने लगे कि अरे सर क्या है प्रिंट आउट लेना पड़ेगा ये वो फिर मेरा जोर दिया तो उन्होंने दिया मतलब गाइस उन्होंने मुझे बताया कि आपका लोन कब शुरू हो रहा है आपका पर मंथ ईएमआई कैसे बनेगा और कितने साल में कितना पैसा कम होगा मैं दिखाता तो हूँ जो देखो मैं दिखाता तो। हूँ पहले ये समझ लो की फैक्ट स्टेटमेंट ठीक है आगे देखिए क्या बोला गया तो के एफ एस विल इंक्लूड अ कंप्यूटेशन शीट ऑफ द एनुअल परसेंटेज रेट दोस्तों ठीक यानी आप पर सलाना कितना ब्याज लग रहा है एंड द लोन एमोटाइजेशन स्कीम ओवर द लोन टेन्योर इसका बेटा मतलब दोस्तों इस बार के इंटरव्यू में बहुत सारे बच्चों से एक पूछा गया था पॉइंट क्या एमोटाइजेशन ये क्या होता है और बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाए थे इज एमोर्टाइजेशन दोस्तों आज पढ़ लीजिए आप लोग भी दोस्तों वॉट इज एमोर्टाइजेशन ये कुछ है नहीं दोस्तों गैस, गैस, अगर आप लोग बेटा बैंक से लोन लेते हैं मान ली गई आपने बैंक से बेटा दस लाख का लोन लिया ठीक और आपने बैंक से बोला कि भाई हम तुमको दस महीने में पैसा वापस कर देंगे आपने बेटा दस लाख का लोन लिया और क्या बोला आपने कि आप दस महीने में बैंक का पैसा वापस कर दोगे यानी गईस आप हर महीने अपना प्रिंसिपल अमाउंट एक लाख कम करोगे ना

फिर भाई नेक्स्ट एक लाख सात लाख तो बेटा जो कम होता है लोन ना इसे बोलते हैं एमोटाइजेशन जो आपको लोन देना था जो अमाउंट कम होता है ना उसे बेटा हम क्या बोलते हैं एमोटाइजेशन बोलते हैं पहले दस लाख था फिर नौ हुआ फिर आठ हुआ फिर सात छह पांच चार अगर आप हर महीने अपना पैसा टाइमली पे कर रहे हो एमोटाइजेशन दस तो यही बात फिर यही बात हुई आपने क्या बोला रिजर्व बैंक ने बोला है भाई कि कस्टमर को पता होना चाहिए कि तुम कितना ब्याज उनसे चार्ज कर रहे हो और उनका पैसा कैसे कैसे कम हो रहा है सब कुछ पता होना चाहिए कस्टमर को दोस्तों ये दस महीने दस लाख तो इजी बेटा होता है मान लीजिए बेटा आपने पांच लाख लोन लिया दस साल के लिए तो आपके महीने का जो ब्याज है ना वो कैलकुलेशन करना टफ होता है दोस्तों तो कस्टमर को पता होना चाहिए कि हो हर साल कितना ब्याज आपको दे रहा है कितना अमाउंट आपको दे रहा है पता होना चाहिए तो वही बात दोस्तों मेरे यहां पर ठीक है इजा क्लियर दोस्तों क्लियर हुआ तो यहाँ पे गाइज हमने एक पॉइंट लगाया तो मतलब कस्टमर को अपने पूरे लोन के टाइम का पता होना चाहिए कि साल कितना ब्याज लगा रहे उसके ऊपर और उसका क्या है मोडोटाइजेशन क्या है उसका तो इसी ऊपर हम क्या बोलते हैं के एफ एस की फैक्ट स्टेटमेंट दोस्तों तो ये कस्टमर को मिलना चाहिए उनका अधिकार है भाई हाँ आप देंगे उसे ये बात हो रही है ठीक है चलिए सो तो गाइज यहां पे हमारी पहली इंफॉर्मेशन खत्म हो जाएगी ये बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है दोस्तों और मुझे पर्सनली ये फेल हुआ है जब मैंने लोन लिया ना तो मुझे फील ये हुआ कि मुझे पता होना चाहिए भाई कि आप कितना ब्याज लगा रहे हो मेरे ऊपर मैं कितनी ईएमआई पे कर रहा हूँ पता होना चाहिए ना चीज बस वही बात है बेटा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सारे बैंकों से बोला है सारी एमबीसी बोला कि आपको 1 अक्टूबर से अपने हर तरह के मतलब जो रिटेल लोन बरोअर हैं और जो एमएसएमई हैं इनको देना पड़ेगा की फैक्ट स्टेटमेंट ठीक है

दोस्तों तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की है उसमें क्या बताया है दोस्तों उसमें बताया गया है कि सीनियर सिटीजन होती हैं टर्म डिपॉजिट सीनियर बेटा। तो बेटा इसमें क्या है एक सौ तिरालीस परसेंट का ग्रोथ है बेटा मतलब चौतीस लाख करोड़ रुपए जमा हुए पिछले पांच साल में पिछले पांच साल में चौतीस लाख करोड़ रुपए जमा हुए हैं इन द सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट अकाउंट

तो सीनियर सिटीजन की बेटा बात करें तो उनके नाम पर पिछले पांच सालों में चौतीस लाख करोड़ रुपए जमा हुएं देखिए दो तो एज पर बैंक ऑफ इंडिया ठीक इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट रिपोर्ट ये पढ़ना नहीं है ये आपको पढ़ना नहीं है ठीक है दो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बेटा रिपोर्ट आई है उसमें क्या बोला गया टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इन सीनियर सिटीजन अकाउंट दोस्तों सिटीजन की एफ एफडी की बात हो रही है ठीक एफ डी में कितना इंक्रीज बाई वन फोर्टी थ्री परसेंट हाँ टू थर्टी फोर पॉइंट थ्री सिक्स सेवन लैक्सर हाँ इतना बेटा मतलब चौतीस जम लो तीन 6 सात लाख करोड़ रुपए एट द एंड ऑफ द दिसंबर 2023 फ्रॉम द रुपीस 13.724 लाख करोड़ इन द 18 दोस्तों देखो भैया तो भाइयों यहाँ क्या बोला गया यहाँ बोला गया है कि जहां 2018 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सीनियर सिटीजन का बेटा जो एफडी था उसमें दोस्तों केवल तेरह लाख uh, 13.724 लाख सीआर इतना पैसा जमा था बट दोस्तों 5 साल बाद मतलब दिसंबर दो हजार तेईस बेटा इन अकाउंटी ठीक तो थर्टीन पॉइंट सेवन टू फोर थर्टीन पॉइंट सेवन टू फोर यहां से बेटा बढ़कर इतना हो गया थर्टी फोर पॉइंट थ्री सिक्स सेवन लैख करोड़ रुपए यानी एक सौ तिरालीस

बेटा जहां बेटा क्या था एस बी आई में फोर पॉइंट थे सीनियर के नाम पे दोस्तों तो बेटा वो बढ़ कितने गए सेवन पॉइंट फोर तो CR से बढ़कर सेवन पॉइंट फोर सी आर अकाउंट बेटा बढ़ गए मतलब एटी वन परसेंट बढ़ती हुई है यानी ये नंबर ऑफ अकाउंट की हम बात कर रहे हैं तो 2018 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 4.1 करोड़ अकाउंट थे इन द फोर पॉइंट मतलब यहां भी आपका 81 परसेंट ग्रोथ है दोस्तों इसके पहले हमने अमाउंट की बात की थी अभी हम लोग नंबर ऑफ अकाउंट की बात करें दोस्तों तो 81 यहां पे ग्रोथ है ठीक है आगे देखिए और क्या बोला गया दोस्तों और क्या बोला गया देखो रिपोर्ट एस्टिमेटेड एटलीस्ट सेवन पॉइंट थ्री सीआर ऑफ दिस अकाउंटो क्या बोला गया कि सेवन पॉइंट फोर करोड़ अकाउंट बेटा खोले गए हैं जिसमें सेवन पॉइंट थ्री करोड़ बेटा ऐसे अकाउंट है जिसमें बैलेंस जो है वो पंद्रह लाख से ज्यादा है ठीक देखो भाई क्या बोला गया कि भैया सेवन पॉइंट फोर सी आर अकाउंट है जिसमें से गाइस 7.3 से अकाउंट ऐसे हैं जिसमें 15 लाख से ज्यादा का बेटा अमाउंट है और बेटा इनको मिलता है 7.5 परसेंट का ब्याज देखो भाई लोग ये देखो तो 7.4 सीआर अकाउंट में से 7.3 से अकाउंट में ऐसे अकाउंट हैं जिसमें 15 लाख से ज्यादा पैसा है और इनको मिलता है कितना सेवन का ब्याज दोस्तों ठीक है इसका बेटा मतलब इसका बेटा मतलब ये हो गया सो द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाई दीनियर सिटीजन Through their deposit is around 2.7 लाख करोड़ रुपीस इन द फाइनेंशियल ईयर तेईस चौबीस इसका बेटा मतलब कि अकेले सीनियर सिटीजन ने फाइनेंशियल ईयर तेईस चौबीस में तेईस चौबीस में कितना 2.7 लाख सीआर का अमाउंट अर्न किया है अकेले दोस्तों 2.2.7 लाख सीआर का अमाउंट अर्न किया है विद द मतलब ब्याज के दोस्तों ठीक है तो क्या बोले दोस्तों तो मतलब कि केवल केवल हम केवल हम तेईस चौबीस की बात करें तो बेटा सीनियर सिटीजन ने कितनी की है टू पॉइंट सेवन लैक करोड़ रुपीज ठीक है आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला गया देखो देखिए तो अब क्यों हुआ है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैचास हजार रुपए मतलब इसका बेटा मतलब अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है यार मान लो हमने बैंक में एफ किया हुआ है RD किया हुआ है हमारा ब्याज आता है तो क्या हमको इस पर टैक्स देना पड़ेगा देखिए दोस्तों अगर बेटा आपने इतने बड़े अमाउंट में एफ डी आर डी किया है कि आपका बेटा जो एक साल का ब्याज है एक साल का ब्याज बेटा है तो यू विल तो आपके लिए चालीस हजार रुपए एंड फॉर दीनियसाइट पचास हजार रुपए तो ये लिमिट बढ़ा ना बेटा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉर द सीनियर सिटीजन लिमिट बढ़ा दी है तो बेटा कोई टेंशन ही नहीं है पचास हजार ब्याज आना एक बड़ी बात हो जाती है तो लोग आराम से अपना पैसा बैंक में जमा कर रहे दोस्तों तो ये पॉइंट हमारे सामने है जो हमने आपको दोस्तों दिखा दिया पूरी इंफॉर्मेशन अब बढ़िया इंफॉर्मेशन है तो यहां बेटा हम क्या बात कर रहे थे अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों हमारे देश में सीनियर सिटीजन जो अकाउंट है उसमें बेटा बढ़ोतरी हो रही है इन नंबर ऑफ अकाउंट एज वेल एज इन अमाउंट दोस्तों एक बार फिर से आप लोग पूरी इंफॉर्मेशन ध्यान से देख लें ताकि दोस्तों आपको देखिए पे हम क्या बात कर रहे हैं देखो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गया कि, कि बेटा तो इसमें जो पैसा है पिछले पांच सालों में बेटा उसमें एक परसेंट बेटा ग्रोथ है कैसे दोस्तों भाई अट्ठारह बेटा थर्टीन पॉइंट सेवन टू फोर लैख वही दिसंबर में लिखा हुआ है ये

और इनको मिलता है सेवन पॉइंट फाइव का ब्याज दोस्तों इसका बेटा मतलब क्या हुआ कि अकेले तेईस चौबीस में इन्होंने मतलब टू पॉइंट सेवन लैक्स यार अर्न किए हैं क्योंकि ब्याज है सेवन पॉइंट फाइव परसेंट ठीक है क्या बोला गया इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इनका बेटा टी टैक्स है वो बढ़ा दिया है पहले था बेटा कि एक साल में अगर इनकी ब्याज से इनकम चालीस हजार होगी तो इन्हें टैक्स देना पड़ेगा बेटा एक गवर्नमेंट बढ़ा दिया है पचास कर दिया है तो इन्हें टैक्स में छूट मिल रही है इसीलिए तो ये हो रहा है इसीलिए तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट और खत्म हो जाएगा एक बार देख ले दोस्तों दोस्तों आगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे न्यूज नंबर और जो मेरे पीछे बेटा आपको दिख रही है तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत चांस होते हैं और जिन बच्चों ने एग्जाम दिया होगा लास्ट ईयर उनको पता है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं दोस्तों यहाँ बेटा हम क्या बात करें दोस्तों यहाँ हम बात करें एक्सिस बैंक हाँ तो एक्सिस बैंक ने दोस्तों एंड स्टॉप ने दोस्तों मेरे से आप हैं, तो आपने शॉपर स्टॉप का बेटा स्टॉप जहां मल्टी ब्रांड स्टोर है इलेक्ट्रॉनिक सामान मिल जाते हैं, हैं घड़ी मिल जाती है चश्मे मिल जाते हैं अच्छा मतलब तो शॉपर स्टॉप की बात कर रहे हैं तो एक्सिस बैंक ने एंड शॉपर स्टॉप ने आपस आप में बेटा एग्रीमेंट किया क्या किया दोस्तों लॉन्च क्रेडिट कार्ड लॉन्च क्रेडिट कार्ड

तो मुझे काफी सारे कैशबैक मिलते हैं डिस्काउंट मिल जाते हैं सेम गाइस अगर आप माली बेटा आप लोग शॉपर स्टॉप से शॉपिंग करते खूब करते हैं। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए आप बैंक में जाओ और बैंक से आप बेटा कार्ड ले लो तो जब भी दोस्तों आप शॉपर स्टॉप पर शॉपिंग करेंगे दोस्तों तो वही सेम है आपको कैशबैक्स मिल जाएंगे रिवॉर्ड मिल जाएंगे सब मिल जाएगा तो वही सेम पॉइंट है दोस्तों हा? तो एक्सिस बैंक एंड शॉपर स्टॉप ने आपस में मिलकर एक कार्ड लॉन्च किया आपके लिए ठीक है देखिए पूरी दोस्तों तो एक्सिस बैंक शॉपर स्टॉप क्रेडिट एक्सिस बैंक तो कि ने किस कंपनी के साथ मिलकर एक तो होगा शॉपर स्टॉप तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं आपको ये, आज संख्या हमारी कम कुछ है क्या आज आज कुछ है, कि कोई है या फॉर एग्जांपल आज दिन में तो मेरे ख्याल से आज फ्राइडे है ना आज संख्या बल कम क्यों आपको लग रही है चलिए तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एक पॉइंट हो गया एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनेंगे दोस्तों ना आगे बढ़ते हैं इलेक्शन है आज इलेक्शन से तुमसे क्या मतलब है जी तुम लोगों से एकादशी है अरे एकादशी तुम लोग मानने लगे तो हो गया चलो मुझे पता कितने भक्त हो एकादशी है आज चलिए आगे बढ़ते एक हमारे यहाँ वो आती थी बर्तन मानी जाती थी, थी।, थी थोड़ी एजड ही थी एजेड का मतलब तो उनसे मेरी नहीं बनती थी हमेशा जब वो मेरे घर आए आज एकादशी है चावल मत खाओ आज ये है ये मत करो आज वो है मत करो मम्मी की थोड़ी अच्छी फ्रेंड भी थी वो मतलब तो उन्होंने मेरा बड़ा जीना माहौल कर दिया था अच्छा वो जासूस थी मेरी आज इनके यहाँ दिखे रहे आज इनके वहाँ दिखे रहे मम्मी मेरी टीचर थी ना बहन जी आज इनके यहाँ दिखे रहे आज वहाँ दिखे रहे आज एकादशी बात चावल खाते रहे आज ही तो ठीक है उनकी याद आ गई मुझे इसमें सुबह सुबह चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस एक्चुअली मेरी टीचर थी हम लोग छोटे से फॉर एग्जांपल तो दिन भर वही रहती थी मारे घर पर मतलब जस्ट लाइक मेड की तरह एक तरह से आप हमारे गांव मेड क्या होता है बस मेड ही समझ लो एक तरह से मम्मी लोग मम्मी स्कूल पापा कचहरी तो जब मम्मी आए तो पूरा चिट्ठा बना रहे पूरा कि बहन जी एन ई करत रहन एन ई करत रहन एन इनके मारेन इनन के पीटेन एन के, एन एन के, एन के, एन के लड़ाई हुई हुआ तो ऐसे पूरा कहानी दोस्तों ठीक आगे बढ़े भाई लोग दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो एक्सिस बैंक दोस्तों एक्सिस बैंक अमिताभ चौधरी बैंक है दोस्तों जिसने प्लेज लिया, मतलब लिया अच्छा है मतलब शपथ ली कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हंड्रेड करोड़ रुपीज टू द नेशनल कैंसर ग्रिड इन कोबोशन विद द टाटा मेमोरियल सेंटर अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में आ सकता है यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा तो यहां पे हमारा आंसर बेटा क्या होगा आंसर इज कोर्स एक्सिस बैंक ऑप्शन नंबर डी ये बेटा अच्छी इंफॉर्मेशन है एग्जाम में आ सकती है दोस्तों ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई लोग और एक क्वेश्चन और विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस डिजिटल ओपनिंग ऑफ यूएस डॉलर एफ डी फॉर एनआरआई कस्टमर इन द गिटी गुजरात मैंने हालांकि इसको पहले भी रिवाइज करवाया है तो यहां दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा तो यहां पे हमारा बेटा आंसर क्या हो जाएगा ठीक भाई लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब बात करेंगे अपने चौथे इंफॉर्मेशन की दोस्तों तो हमारा जो बेटा चौथा इंफॉर्मेशन है दो लिखा है तो बेटा सिडबी के नए एमडीसीओ बेटा कौन बन रहा है चेयरमैन और सी कौन बन रहे हैं सिडबी के सी कौन बन रहे हैं मैंने अभी आपको रिवाज करवाया था तो बेटा सिडबी ने एग्रीमेंट साइन किया बेटा विद द जीविका जीविका बिहार दोस्तों हाँ जीविका बिहार गाइस दोस्तों बेटा नाम से कौन चल रहा है दोस्तों ये बिहार स्टेट गवर्नमेंट का एक बेटा एम्प्लॉयमेंट मतलब कहते हैं ना उससे क्या बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बेटा काम करती है जीविका बिहार दोस्तों, मतलब बिहार, स्टेट की ये है, जीविका बिहार दोस्तों, And U. M. E. D. अच्छा। मिशन, दोस्तों। बेटा मतलब ऐसी दो? इंफॉर्मेशन देखने में थोड़ी बोरिंग लगती हो बट गाइस एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है यहाँ दोस्तों हम कहते हैं सिडबी की बात कर रहे हैं अब बेटा सिडबी की बात कर रहे हैं हमने यहाँ बिहार की बात की हमने यहां महाराष्ट्र की बात की तो बेटा ये सोचो हम दो स्टेट की बात कर रहे हैं यहां पर इंफॉर्मेशन ध्यान से देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा अपने आप क्लियर हो जाएगा देखो दोस्तों क्या बात हो रही है दो सो so क्या बोला गया स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इन इन एसोसिएशन विद द वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग दोस्तों अब बेटा ये क्या है वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग दोस्तों ये बेटा अमेरिका में स्थित एक एजेंसी है दोस्तों जिसका बेटा काम होता है कि गरीब देशों में वहां की जनता की हेल्प करना स्पेशली महिलाओं की दोस्तों क्या तो बेटा बेटा है वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग तो तो ये एक संस्था तो सिडबी सिडबी ने एंड वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग ने आपस में किया है साइन द विद द जीविका बिहार जीविका बिहार दोस्तों हाँ मतलब ये बिहार बेटा स्टेट का रूरल लाइवलीहुड मिशन है दोस्तों देखो भाई ये बेटा क्या है जीविका तो बिहार स्टेट का रूरल लाइवलीहुड मिशन इसका बेटा मतलब बिहार में जो बेटा ग्रामीण एरियाज में लोग हैं उनके पास कुछ काम हो अपने जीवन यापन के लिए हो। तो बेटा ये मिशन चलता है जिसके तहत दोस्तों लोगों को मतलब जॉब दी जाती है ल, है है स्किल ट्रेन किया जाता वो सब बात है। तो जीवका, बिहार रूरल लाइवलीहुड मिशन दोस्तों हाँ देखिए और यूएमईडी इसका बेटा मतलब महाराष्ट्र स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन दोस्तों इसका बेटा मतलब मतलब बेटा हम बिहार की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की और सेम गाइस न, ये स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी बेटा स्टेट में बेसिकली गांव के एरियाज में ऐसे लोग बेटा जिनके पास काम नहीं है तो बेटा उनको काम दिलवाना उन्हें काम दिलवाना ये बेटा ऑब्जेक्टिव है जीविका का और आपका ये यू एम ई डी का दोस्तों ठीक तो ध्यान से पूरी इंफॉर्मेशन बेटा पढ़ लो सिडबी और वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग इन्होंने आपस में कोलाब्रेशन किया दोस्तों और बेटा ये बिहार और महाराष्ट्र कि जो बेटा रूरल लाइफ मिशन है उनके साथ मिलकर काम करेंगे दोस्तों ठीक है आगे बढ़िए और क्या बोला गया टू डेवलप अट्री सोल्यूशन पढ़ना नहीं है क्लस्टर लेवल फेडरेशन दो आपको नहीं आना यहां बेटा क्या बोला गया वुमेन लीड एस एच जी एस एच जी इसका बेटा मतलब क्या हुआ सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह दोस्तों गाइज आपने आपको पता होगा बेटा कि गांव लेवल पर क्या है कुछ महिलाएं आपस में मिल जाती हैं मिनिमम दस मैक्सिमम बीस बेटा और बेटा ये मिलकर कोई काम करती है एसएच ने तो ऐसे एसएडी बेटा जो महिलाएं लीड करती हैं तो उन पर यहां पर बेटा फोकस किया गया दोस्तों महिलाओं पर किया गया ठीक है ये सब दो ये सब लैंग्वेज है टफ मतलब वो मत करना परेशानी होना आपको कैसे पढ़ना है वो समझिए इंफॉर्मेशन है आगे देखिए और क्या बोला गया विद विदर्टी 35 टू बेटा मतलब क्या हुआ इसका गांव को मिला के बेटा क्लस्टर बनता है हमने ना कुछ तीन चार गांव बेटा बना लिया तो क्लस्टर बेटा ही हो गया ठीक तो क्या बोला गया कि सिडबी विल पार्टनर विदर्टी 35 टू 40 क्लस्टर अक्रॉस द बिहार एंड द महाराष्ट्र विथ अ टारगेट ऑफ प्रोवाइडिंग एफोर्डेबल क्रेडिट अपट रुपीज ₹2 लैख टू 5000 थाउजेंड व्योर इसका बेटा मतलब ये बिहार और महाराष्ट्र बेटा कम से कम 35 फाइव तो टू 40 क्लस्टर बनाएगा दोस्तों और बेटा वहां पे जो महिलाएं काम कर रही हैं तो उनको बेटा लोन देगा अमाउंट जो था अमाउंट 2 लाख रुपए दोस्तों और ये बेटा पांच हजार महिलाओं को इतना अमाउंट दिया जाएगा मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन बट बेटा आपके एग्जाम के लिए जरूरी है देखिए और बेटा क्या बोला गया थो? और क्या बोला गया थो? कुछ नहीं तो सिडबी है पायलट टेस्टिंग फेज दोस्तों तो बेटा सिडबी जो है बेटा ये स्टार्टिंग में पचास सीआर का बेटा एक फंड बना रहा है ताकि महिलाओं को लोन दिया सकेगा इस ठीक है अच्छा और देखिए अभी कहीं खत्म नहीं हुई और देखिए तो बेटा ये वुमेन वर्ल्ड बैंकिंग विल प्रोवाइड मैन पावर सपोर्ट ठीक है तो मतलब जो ये वुमेन वर्ल्ड बैंकिंग बेटा है ये मैन पावर देगी

सिडनी की बेटा बात कर रहे हैं और हमने क्या बात किया प्लस वुमेन वर्ल्ड बैंकिंग दोस्तों इन्होंने बेटा आपस में कोलैबोरेशन किया दोस्तों क्या ये बेटा बिहार ये बिहार और दोस्तों महाराष्ट्र ये बेटा बिहार और महाराष्ट्र बिहार और महाराष्ट्र बेटा हाँ तो बेटा ये जो स्टेट है तो बेटा स्टेट की आपके रूरल लाइवलीहुड मिशन रूरल लाइव मिशन बेटा मतलब मतलब ये जो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ की है बेटा तो उनका अपना मिशन पे स्कीम

था हाँ, 35 टू 40 दोस्तों तो बेटा इतने क्लस्टर बनाएगा दोस्तों क्लस्टर गाइस क्लस्टर का, का मतलब कुछ गांव मिला क्लस्टर बनता है ठीक और फिर क्या बोला गया कि बेटा इसमें लगभग पांच हजार महिलाओं को पांच हजार बेटा महिलाओं को लोन दिया जाएगा दोस्तों कितना दो लाख रुपए ठीक गाइस इसके बेटा क्या है कि सिडबी ने पांच पचास करोड़ का बेटा फंड बनाया दोस्तों

क्वेश्चन क्या है कि सिडबी ने कहा है कि इट हैज सिक्योर्ड अप्रूवल फ्रॉम द ग्रीन क्लाइमेट फंड फॉर इट्स फर्स्ट एंकर्ड प्रोजेक्ट अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड दोस्तों इसका बेटा मतलब क्या है कि बेटा सिडबी को इनके अपने पहले प्रोजेक्ट अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड से कितना पैसा मिला ये आपसे पूछा गया है ये आपका मार्च मंथ की इंफॉर्मेशन है यह दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा तो हाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 120 मिलियन डॉलर ऑप्शन नंबर बी 120 मिलियन और ठीक है गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं भाई लोग चलिए अब दोस्तों हम बात करेंगे अनटेड की यूएनसीटीएडी दोस्तों बेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था बेटा क्या कि दोस्तों जो अनटेड है इसका कहां पे हेडक्वार्टर है दोस्तों अनटेड तो बेटा क्या बोलेंगे इसका हेड बेटा जेनेवा में है पहली बात दोस्तों दूसरा अनटेड दोस्तों हर साल कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है कौन सी रिपोर्ट करता है परीक्षा

तो अंकटैग ने बेटा क्या बोला है कि भारत की बेटा ग्रोथ सेट जो है वो 6.5 परसेंट रहेगी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 तो मतलब जो चल रहा है हमारा चौबीस बेटा तो 6.5 परसेंट हमारी ग्रोथ रहेगी तो ये बेटा बोला गया अंकटैग एक बहुत ही दुष्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये कभी दोस्तों ये कभी भारत की बड़ाई नहीं करता है ये हमेशा बोलता है कि भारत कैन इंप्रूव ना? ये हमेशा से होता है दोस्तों पंचायत ने क्या बोला कि 24-25 में भारत की ग्रोथ रेट 6.5 परसेंट रहेगी दोस्तों ठीक है आज देखिए पूरी इंफॉर्मेशन ये हम क्या बात कर रहे हैं तो बेटा अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट दोस्तों ये बेटा फुल फॉर्म है अंटाइड का यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंटाइड हाँ The the Indian economy is expected to grow by 6.5% इंडियन इकोनोमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो in दिक्स अच्छा इन दो हजार चौबीस एज कम्पेयर 24 सिक्स की बात कर रहे तो बेटा क्या बोला गया है 24-25 मतलब मतलब तो मतलब में जो भारत जो बेटा है वो वो सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट आपकी रहेगी जबकि एक साल पहले कितना बोला है सिक्स पॉइंट सेवन देखो मैंने क्यों बोला दुनिया बोल रही है ये कितना बोल रहा है है भाई ठीक अच्छा और बेटा क्या बोला है, देखो तो बेटा चौबीस पच्चीस में जो ग्लोबल इकॉनमी है बेटा वो टू पॉइंट सिक्स परसेंट बढ़ेगी जहां दोस्तों मैंने कल क्या पढ़ाया था IMF ने क्या बोला ये क्या बोल रहे तो इनका बेटा प्रोजेक्शन हमेशा कम रहता है हमेशा इनका प्रोजेक्शन बेटा हमेशा कम रहता है तो भाई ग्लोबल के लिए बेटा टू पॉइंट सिक्स परसेंट भारत के लिए सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट तो एक इंफॉर्मेशन आपके लिए है दोस्तों इसे याद कर लीजिएगा हाँ विकास बोल रहा है कि अडानी अंबानी ग्रो कर रहे हैं इकॉनमी तो नहीं सर मेरा मेरा मानना ये है दोस्तों आप लोग थोड़ा मतलब सरकारी ऑफिसर बनने जा रहे हो आप लोग को ऐसे ना जो स्टेटमेंट है उससे दूरी में रखना चाहिए और ये हैबिट आपके अंदर आज से होना चाहिए आप गली मोहल्ले की आवाज़ थोड़ी ना हाँ कि जो ऐसी बातें करेंगे कि अडानी अंबानी ग्रो कर रहे हैं इकॉनमी नहीं कर रही है देखो डेटा आपके पास तो है नहीं अगर कोई आपसे पूछ ले बैठा कर अभी कुर्सी पर मैं बैठा पूछ लूँ कि बेटा जरा बताओ अडानी इंडस्ट्र कितनी कंपनियाँ हैं आप बता नहीं पाएंगे मूलापा हो जाएगा बेटा अगर मैं पूछ लूँ आपसे बेटा यहाँ पर कि अंबानी मुकेश अंबानी जी का कितना रेशियो है रेवेन्यू का बता नहीं पाएंगे बेटा मूलापा हो जाएगा और आप बनने चले ऑफिसर तो आप लोग सारे बच्चे ऐसी बातें ना किया कीजिए आपको अपनी पर्सनालिटी में भी चेंजेस करने हैं कल को आप बनोगे ऑफिसर अब ऐसा नहीं बोल सकते तो पर भी कि अडानी अंबानी ग्रो कर रहे हैं देश ग्रो नहीं कर रहा है और आपको तो इन्फॉर्मेशन बेटा नहीं होगी बता रहा हूँ आपको मैं

Grinspan, जो हैं दोस्तों ये हैं, तो ये लेडी तो, तो स ली तो की लीड न्यूज नंबर फाइव थी ठीक है आगे बढ़ेंगे दोस्तों आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आपसे नेशनल लेवल इंफॉर्मेशन की दोस्तों तो नेशनल लेवल पे हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन हाँ एक बात और दोस्तों आज रात में आठ बजे

कि जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या था हमें कैसे पढ़ना होता है और क्यों पिछले साल केवल नंबर एक गई दोस्तों ठीक है आज रात में आठ बजे सेम चैनल पे दोस्तों ठीक है आइए आगे, आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो क्या है, है? दो, दो, दोस्तों सेंटर टू सेटअप डेडिकेटेड टेस्ट लैब इन सिक्स स्टेट फॉर कस्तूरी कॉटन ग्लोबल ब्रांड पुश दोस्तों कॉटन गाइज़ भारत में कॉटन काफ़ी मात्रा पैदा होता है लेकिन दोस्तों जब हम ग्लोबल लेवल के ब्रांडिंग की बात करते हैं बेटा हम विश्व में जाते हैं भारत में कॉटन बहुत पैदा होता है बेटा अच्छी किस्म का लेकिन बेटा हम ग्लोबल लेवल पर इसकी ब्रांडिंग कर ही नहीं पाए दोस्तों तो बेटा जो अब की बेटा सरकार है इन्होंने इसको पकड़ा थोड़ा सा और बेटा हमारे जो कॉटन है उनको बेटा ग्लोबल लेवल पर एक ब्रांड दिया कस्तूरी हमारे बेटा कॉटन को दुनिया में अंतिम कस्तूरी के नाम से बेटा ठीक है तो क्या बोला गया कि केंद्र सरकार का बेटा क्या डेडिकेटेड टेस्ट लैब इन स्टेट फॉर द कस्तूरी कॉटन ग्लोबल ब्रांड पुश इसका बेटा मतलब कि स्टेट में जो कॉटन आ रहे हैं दोस्तों क्या वो ग्लोबल स्टैंडर्ड के हैं अगर है तो उन्हें और कैसे इंप्रूव करें नहीं है तो कैसे इंप्रूव करें ताकि बेटा ग्लोबल लेवल पर हमारा ब्रांड ये छा जा जाए दोस्तों कस्तूरी ब्रांड हाँ पूरी इंफॉर्मेशन बेटा यहां पे देखिए हम क्या बात कर रहे हैं देखो दोस्तों हम क्या बात कर रहे हैं तो यूनियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेटअप डेडिकेटेड लैब फॉर द टेस्टिंग हाई ग्रेड कॉटन इन द महाराष्ट्र तमिलनाडु, हरियाणा पंजाब गुजरात एंड कर्नाटका दोस्तों हाँ तो बेटा ये छह राज्य कौन कौन से हैं देख लीजिए आप लोग महाराष्ट्र हो गया तमिलनाडु हरियाणा पंजाब गुजरात एंड कर्नाटका ठीक है एज पार्ट ऑफ अ पुश टू एस्टैब्लिश द इंडियन कस्तूरी कॉटन एज अ ग्लोबल ब्रांड दोस्तों हा? तो बेटा भारत सरकार वो कौन से छह राज्य हैं जहां बेटा लैब स्टैब्लिश करने वाली है। ताकि कॉटन का परीक्षण यहाँ पे बेटा हो ठीक है तो ये छह बेटा से कौन से हैं? देख लीजिए आप लोग यहाँ पे गुजरात है महाराष्ट्र है तमिलनाडु है पंजाब है हरियाणा है और कर्नाटक है दोस्तों हाँ आगे बढ़े भाई लोग देखिए और क्या बोला गया द लैब वुड बी सेटअप इन कन्वर्जेंस विद द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टेस्टिंग फैसिलिटी इसका बेटा मतलब इसका बेटा जो लैब बेटा होंगे वो बड़े हाईटेक में बेटा होंगे

India aim इंडिया एम टू कम्पीट विद द ग्लोबल such as सच एस सच एस सुपीमा एंड द गीजा विच आर नोन फॉर दियर एक्सेप्शनल सॉफ्टनेस स्ट्रेंथ एंड देटा मतलब कि बेटा ग्लोबल लेवल पर जो कस, जो कॉटन के ब्रांड्स हैं जैसे गाइस फॉर एग्जांपल सुपीमा है दोस्तों गीजा है ये बेटा ऑल ये सब जो ब्रांड हैं ये वेरी नोन ब्रांड दोस्तों हैं वेरी नोन ब्रांड और ये बेटा अपने सॉफ्टनेस के लिए मतलब फेमस है तो हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि मतलब जो हमारा ये कस्तूरी है ये भी इन्हें कॉम्पिटिशन दे ग्लोबल लेवल पे दोस्तों हाँ तो ये देख लीजिएगा और क्या बोला गया बसतमा ठीक सो है सो गाइस हमने समझना पड़ेगा क्या पढ़ा कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि जो हमारा कस्तूरी कॉटन है ये बेटा ग्लोबल लेवल पर सुपीमा गीजा जो ये ब्रांड्स हैं इन्हें कॉम्पीट करें तो बेटा इसके लिए हमारे देश में छः राज्यों में लैब बनाए जाएंगे दोस्तों ये छेटा लैब कौन छह राज्य कौन से हैं तो महाराष्ट्र है गुजरात है हरियाणा है पंजाब है तमिलनाडु कर्नाटका बेटा

ठीक <coughs> देखिए क्या बात हो रही है नाइजीरिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रोल आउट द न्यू न्यू मैनजाइटिस वैक्सीन दोस्तों हा? तो बेटा नाइजीरिया जो है ये बेटा मैनजाइटिस टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है दोस्तों बेटा ये एक वैल्यू होती है इस। और बेसिकली बेटा ये अफ्रीकन कंट्री पाई जाती है जहां दोस्तों मनुष्य का दिमाग और बेटा ये जो नहीं कॉर्ट्स होते हैं सब ये सब फुल जाते हैं ये सब थोड़ा मतलब इसमें स्वेलिंग आ जाती है इंसान को उल्टी होती है बेटा दस्त होता है और वो बेड पर पड़ जाता है कमजोर हो जाता है बेटा 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 इसे हम कहते हैं तो इस तो तो बीमारी को दूर करने के लिए नाइजीरिया पहला कंट्री बन गया है जिसने वैक्सीन लगाई है दोस्तों पूरी इंफॉर्मेशन यहां देखें क्या बात कर रहे हैं देखिए दोस्तों हम क्या बात कर रहे हैं तो इन अ ग्राउंड ब्रेकिंग मूव नाइजीरिया हैज बिकम द इन नेशन टू इंट्रोड्यूस द इनोवेटिव मैन फाइफ

गावी एलियंस। दोस्तों जब कोविड नाइनटीन बेटा आया था तो बेटा दुनिया भर के देश आपस में मिल गए थे और एक गावी एलियंस बेटा बना था मतलब दोस्तों इसमें हर देश बेटा करते करते हैं करते हैं रिसर्च वैक्सीन के लिए तो क्या बेटा बोला गया कि पैसा कहां से आएगा गावी अ क्रुशियल स्टेप टूवर्ड अचीविंग टू जीरो आपके एग्जाम में क्वेश्चन है बेटा डब्ल्यू एच ओ का क्या है टारगेट वो कौन सा साल है जब दोस्तों WHO चाहता है कि पूरे दुनिया से आपका खत्म हो जाए दोस्तों तो मैनिंग टाइम दो हजार तीसरा ध्यान देना ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों तो यहां पे गाइस हमारी पहली इंफॉर्मेशन कम्युनिटी है जो हम बात करें अबाउट द इंटरनेशनल अफेयर्स दोस्तों हाँ ध्यान दो भाई तो गाइस यहां पे हमारी इंफॉर्मेशन खत्म हो जाएगी और क्या लिखा है द रीजन एक्सपीरियंस ऑफ फिफ्टी परसेंट सर्च इन केसेस लास्ट ईयर ठीक है इसका बेटा क्या बोला गया कि जो ये रीजन है एरिया है तो बेटा पिछले साल इसमें पचास परसेंट बेटा वृद्धि हुई थी इस रोग में इसीलिए नाइजीरिया जो है अब वो वैक्सीनेशन कर रहा है दोस्तों देश ठीक है अच्छी बात है तो बेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बेटा कैसे पूछेगा सिंपल पूछेगा कि वो कौन सा पहला अफ्रीकी देश है जिसने अपने देश में मैनजाइटिस बीमारी को दूर करने के लिए वैक्सीन शुरू किया दोस्तों तो बेटा आंसर नाइजीरिया अब नाम वैक्सीन का तो मैन सी मैन फाइव सी बी दोस्तों मैन फाइव सी बी ये नाम बेटा वैक्सीन का है रिकमेंडेड बाई डब्ल्यू एच ओ तो ऐसे बेटा पढ़ना है अभी तो सबको और एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बने कुछ भी ठीक है इस देश का नाम वैक्सीन का नाम ठीक है और कुछ हाँ ये तीसरा क्वेश्चन कि जो आपका बेटा बीमारी जो है ना ये ये, तो ये कब तक मतलब खत्म हो जाएगी अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ आंसर इज टू जीरो थ्री जीरो तो तीन क्वेश्चन बेटा बनेंगे आपके आगे बढ़ते हैं देखिए नाइजीरिया

तो पैड कमिंस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड साइबर ब्रंच फ्रॉम इंग्लैंड मेल एंड फीमेल तो पैड कमिंस एंड द साइबर ब्रंच को बेटा विजडन के शिर्स क्रीटर के में नामित किया गया है दोस्तों देख लो तो पैड कमिंस एंड द साइबर ब्रंच नेम द विजडन टॉप क्रिएटर्स विजडन के बेटा ये बन गए हैं टॉप क्रिएटर्स पूरी इंफॉर्मेशन यहां देखिए दोस्तों विजडन हां दो तो इन एडिशन ऑफ़ क्रिएटर्स दोस्तों दोस्तों इसका बेटा मतलब तो विजडन की अपनी एक मैगज़ीन आती है हर साल जिसे बोलते हैं अलमेनैक दोस्तों तो इसमें ये लोग निकालते हैं खिलाड़ियों के नाम अलमेनैक लिखा है सामने यहां अलमेनैक दोस्तों ट्वेंटी फोर्थ एडिशन ऑफ द प्रस्टिजियस विजडन क्रिएटर्स अल्म

अगर मैं आपको बताऊं ये ये मैं कोई ऐसे नहीं बोला मैं इंडियन हूं लेकिन दोस्तों आपको शायद पता होगा या आप एक काम करना आप कभी भी विस्डन का बेटा अलमेक सर्च करना आपको बेटा कभी भी किसी इंडियन की बड़ाई नहीं मिलेगी आपको कभी नहीं मिलेगी जो ये मैगजीन आती है कभी नहीं मिलेगी बेटा चाहे वो दो तो हजार तीन का बेटा वर्ल्ड कप हो हम मैं इसे फॉलो करता पहले फॉलो करता हूं ये कभी इंडियंस की बड़ाई करते ही नहीं कभी नहीं करते हैं दोस्तों जबकि बेटा मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से जो मेरा काउंटेशन है 2010 से लेकर दो तक दोस्तों अगर आप रिकॉर्ड की बात करेंगे चेस की बात करेंगे आप मैच की बेटा बात करेंगे तो विराट कोहली से बड़ा खिलाड़ी कोई आया ही नहीं एंड दोस्तों मैं क्या बात कर रहा हूं बैटिंग की बात कर रहा हूं 2010 से लेकर 20 तक पूरे 10 साल पूरे 10 साल विराट कोहली ने बैट से डॉमिनेट किया दोस्तों

कि कैसे दोस्तों ये क्या है ये वाली बात है देखो मैं दिखाता हूं कैसे तो पांच लग बेटा और हाँ देखो कौन बेटा देखो ठीक उस्मान खान ख्वाजा ठीक एंड एश्ले गार्डनर देखो उस्मान ख्वाजा ये है बेटा खिलाड़ी ऑफ ऑस्ट्रेलिया आप जरा मुझे बताओ दोस्तों पिछले एक साल दो साल में इनकी कौन सी बड़ी इनिंग आई है ये खेलता है बेटा सेल्फ के लिए खेलता है इसका बस पाकिस्तान जो 22 में था उसमें सेंचुरी से मारी थी इसके बाद कोई ही नहीं कुछ है ही नहीं नहीं दोस्तों कुछ है है इसका इसका नाम दिया हुआ ठीक और देखिए था, अच्छा था, इनका है। गार्डनर ठीक तो मतलब है अच्छा तो ऑल विजडन क्रिएटर्स ऑफ द ईयर दोस्तों हाँ तो बेटा इनको क्या बोला गया, इन्हें बोला गया है ईयर ठीक है अच्छा और देखो और सुनो The leader of the year List of Year also include two English stars, Harry Brook and किसी इंडियन को प्रमोट करते ही नहीं कर है और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं आप चाहे तो पूरा रिसर्च कर लेना तो बेटा पांच अलग से खिलाड़ी और कौन है तो बेटा देखो हैरी ब्रुक मार्क वुड इसके अलावा दोस्तों देखो पे स्टार्क उस्मान ख्वाजा और गार्डन तो आपको बेटा इन पांचों के नाम याद करने पड़ेंगे और ठीक और ये बड़ी इंफॉर्मेशन छोटी मोटी इंफॉर्मेशन नहीं है मैं इसे लिस्ट पर टाइम ले रहा हूं आपसे बहस भी कर रहा हूं और ये गलत है तो गलत है मैं बोल रहा हूं वैसी बात है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ पे ठीक अवार्ड्स एंड ऑनर दोस्तों तो अवार्ड्स एंड ऑनर देखिए पे क्या इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम देलरण बेटा साउथ के एक्टर है दोस्तों तो विश्वविद्यालय में अपने साहित्य में मानद मतलब डॉक्टरेट दोस्तों की उपाधि से सम्मानित किया है दोस्तों तो बेटा क्या है येल

तो एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा दोस्तों है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बात करें क्या कि ये बेटा मिला है तो दुनिया में रामचरण के चलिए आगे बढ़ते वेल्स अच्छा यह बता पूछ सकते हैं कि बेटा रामचरण तेजा जी को कौन से कन्वोकेशन सेरेमनी में ये मिला? तो 14th. तो ये जो कॉलेज शनल सेरेमनी चल रहा था तो वहां दोस्तों ये अवार्ड मिला है दोस्तों ठीक है तो एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा ठीक है आगे दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन की क्वेश्चन बेटा क्या है बीन कन्फर्ड विद एन ऑनरेरी नाइटहुड बाय ब्रिटेन किंग III

बिगेस्ट तो तो स्टेलर ब्लैक होल इन आवर गैलेक्सी मतलब होल को बेटा ढूंढ लिया लिखा है तो मिला है गाइस हमारे मिल्कि वे में तो ये बड़ी बात अपने आप में दोस्तों है बहुत सारे मूवीज आपने देखे होंगे जिसमें बेटा ब्लैक होल को हम लोग एज ए वे यूज करते हैं

तो हमने बेटा क्या पढ़ा इसका नाम क्या है इसका बेटा नाम क्या बेटा तो उसका नाम रखा गया क्या गाया बीएस रिंग ढूंढा किसने है यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वेट गाइस तो मास 30 टाइम ऑफ द 33 टाइम्स डेट ऑफ द सन इतना पढ़ना है बस आपको इतना बेटा पढ़ लो काम का हो जाएगा और ये पृथ्वी से सबसे पास दूसरा ग्रह पाया गया है दोस्तों ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं

दोस्तों तो बेटा एक बुक आ रही है जिसका नाम है इंडिया द रोड टू री एनसेस एंड द विजन एंड एजेंडा ऑथर्ड बाई द ऑथर बाई द भीमेश्वरा चल्ला हाँ भीमेश्वरा चल्ला ये है ऑथर्स के ऑथर्ड बाय द भीमेश्वरा चल्ला और बेटा ये कहां पे लॉन्च किया गया है तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया कैंपस हैदराबाद ये तो नहीं पूछेंगे अब ये पढ़ देना बस व्हाट इज नेम ऑफ बुक एंड हु इज ऑथर नाम क्या बुक का ऑथर कौन है बेटा काम बस इतना ही हो जाएगा दोस्तों ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे अब बात करेंगे आपसे तो वर्ल्ड हेरिटेज डे यह बेटा कब अप्रैल दोस्तों देखिए भाई लोग तो अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे थीम क्या बेटा डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्रू द लेंस ऑफ द वेनिस चार्टर डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्रू द लेंस ऑफ द वेनिस चार्टर ये बेटा इसकी थीम है दोस्तों ठीक है आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ल्ड वॉयस डे सोलह अप्रैल वर्ल्ड डे सोलह अप्रैल दोस्तों हा? पूरी देखिए दोस्तों तो दोस्तों दोस्तों हम मनाते हैं बेटा को दोस्तों। थीम क्या है Resonate, educate and celebrate दोस्तों World day. दोस्तों ठीक आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे स्टेट लेवल इंफॉर्मेशन की दोस्तों तो राज्य लेवल पे हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन बेटा है देखिए दोस्तों तो यहां पर हमारी पहली इंफॉर्मेशन दोस्तों तो उत्तर प्रदेश चित्रकूट स्टनिंग ग्लास स्काई वॉक ब्रिज इन द उत्तर प्रदेश गाइस आपने बेटा देखा सोशल मीडिया पे तो सोशल मीडिया बेटा देखा नहीं है? वो स्काई वॉक होता है मतलब ग्लास के ब्रिज होते हैं लोग मार उसमें गिरते पड़ते रहते हैं, हैं ना है ना देखा नहीं मुझे बड़ा मजा आता है ऐसी वीडियो देखने में दोस्तों हाँ तो वही देखिए सुबह इस उत्तर प्रदेश में चित्रकूट का आश्चर्यजनक ग्लास स्काई वॉक ब्रिज दोस्तों ठीक है तो बेटा मतलब उत्तर प्रदेश में चित्रकूट में आपका बेटा ग्लास स्काई वॉक बेटा ब्रिज बन रहा है दो ये बेटा ये दोस्तों एक तो इसकी जो वो है इमेज है वो धनुष और बाढ़ की तरह है दोस्तों देखिए है ना अब बेटा पूरी इंफॉर्मेशन यहां देखिए हम क्या बात कर रहे हैं द स्टेट ऑफ यूपी हैज अनवील्ड द फर्स्ट एवर ग्लास स्काईवॉक ब्रिज इसका बेटा मतलब बेटा यूपी का पहला है ये बेटा यूपी का पहला है ग्लास स्काई ब्रिज लोकेटेड एट द इनहेंटिंग तुलसी तुलसी हां मतलब सबरी वाटरफॉल इन द चित्रकूट दोस्तों हां

मतलब, मतलब जो, ये जो, ये फॉल है। जो आपका मतलब ये, ये, तो ये आपका वाटरफॉल दोस्तों है कौन से एरिया में है तो ये कोदंड एरिया में है दोस्तों ठीक तो आपको मालूम था वाटरफॉल फॉल का नाम अब बेटा किस एरिया में दोस्तों है? तो ये एरिया में देख लीजिएगा मेन चित्रकूट है आपका चित्रकूट के कुदंड वन दोस्तों वहां पे एरिया है वहां दोस्तों एक वाटरफॉल है तो इसी वाटरफॉल तो उस पर ये बना है दोस्तों ठीक है आगे देखिए और क्या बोला गया द ब्रिज इंजीनियर टू विदस्टैंड अ लोड एग्जांपल अच्छा इसका बेटा मतलब 500 केजी पर स्क्वायर मीटर दोस्तों इसका बेटा मतलब ये कैपेसिटी तो 500 केजी पर स्क्वायर मीटर 500 केजी पर स्क्वायर मीटर बेटा ये भा, भार भार झेल लेगा हा? उतना तक और

तो एक पॉइंट हमारा दोस्तों ये हो जाएगा देख लीजिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई लोग और क्या बोला गया आ, बस ठीक है ये क्या पढ़ना है नहीं है उत्तर प्रदेश कैपिटल लखनऊ सीएम योगी आदित्यनाथ दोस्तों गवर्नर आनंदीबेन पटेल क्लासिकल डांस कथक एंड नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क दोस्तों हाँ तो बेटा ये इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा इस आगे बढ़ते हैं देखो दोस्तों पहली बात ध्यान दीजिएगा कल विशाल सर की क्लास है सुबह सात बजे मैराथन मैं उसकी इमेज क्लास में दिखा चुका हूँ आज मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ तो बेटा वो क्लास करनी है आपको दोस्तों आज रात में आठ बजे हम लोग मिलने वाले हैं आर आर बी पी ओ में जी क्वेश्चन कैसे बनते हैं हमें कैसे पढ़ना है ताकि हमारे नंबर आ सके अच्छे आज रात में आठ गाइस और बेटा फिर उसके बाद मैंने कल आपसे बोला था कि आपने स्पीड टेस्ट में इनर किया कि नहीं किया आप में से बच नहीं किया था तो भैया आप लोगों ने बेटा किया कि नहीं किया दो भाई आपके पास गाइस प्राइजेस हैं इसके अलावा आप ध्यान दे रहे हो कि लाइव टेस्ट टेकर्स विल बी रिवॉर्डेड विद द 20 प्लस आई बी लेवल मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट जिसका बेटा वर्थ है 499 ये आपको बेटा अनअकैडमी 20 टेस्ट फ्री में दे रही है यार आपको शायद इसका पता नहीं जब बेटा आप एग्जाम देते हो ना तो बेटा आपकी मॉक टेस्ट खत्म हो जाते हैं या फॉर एग्जाम्पल बेटा आपने आज एक दे दिया अब कल बेटा नहीं परसों का आएगा शोषण आप दे नहीं पाओगे तो आपके पास मैक्सिमम मॉक टेस्ट होने चाहिए और जो बेटा फ्री मिले वो नो ना यार और बस आपको टेस्ट देना यार तो ये प्रैक्टिस कब है अप्रैल इक्कीस थ्री पी पे इनरोल कर लीजिए इनरोल करने की लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी तो बेटा वीडियो इंड होकर जाना वहां पे वहां से इनरोल कर लेना ठीक थैंक यू सो मच अपना ख्याल रखिए दोस्तों मिलते हैं आपसे फिर थैंक यू सो मच